जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू सुभान माल। लास्ट टाइम हमने आपको दिया था न्यू बॉर्न के लिए फर्स्ट डे की जो कलेक्शन होती है उसके हवाले से आपको गाइड किया था। आज आपको हम थोड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में गाइड देते चलेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट में पार्ट शीट। डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसको यूजिंग करने के बाद बैक साइड से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपका 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक का बेबी जो है ना इसे यूज कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ कस्टमर लाइक करते हैं कि बहुत ही इतना डिफरेंट सी और फैंसी चीज सी चीज होनी चाहिए, उसके हवाले से आपके लिए लेके आए हैं कार स्टाइल में। इसका फर्स्ट हैंडल आ जाता है, बैक कवर, ठीक है। एक गाड़ी लुक में बहुत ही यूनिक चीज है, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट चीज है और बहुत ही पायदार प्लास्टिक है। ये भी आपका 1 ईयर से लेके 4 ईयर तक का बेबी इसे यूज कर सकते हैं और लुक वाइज घर में पड़ी चीज भी डिफरेंट लुक देती है, बहुत ही यूनिक चीज है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर अवेलेबल है, ठीक है, और भी मजीद इसमें अपना कलर मिल जाएंगे, काफी कलर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाथर सीट की। सम टाइम होता है कि बाथर सीट का कस्टमर को नहीं पता होता कि बाथर सीट किस चीज के लिए यूजिंग में आती है, ठीक है। आपको ये बताते चलेंगे कि बाथर सीट जो है बच्चे को नहलाने के लिए यूज होती है, ठीक है। कुछ कस्टमर इसको कैरी कॉट ही समझते हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको चीज का पता होना चाहिए कि क्या चीज किस चीज के यूजिंग में है। इसको बच्चे की बाथर सीट बोला जाता है, ठीक है। इसमें 0 साइज से लेके 1 ईयर तक का बेबी जो है ना इसपे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, साथ में इसके पिलो भी है, ठीक है। वॉशेबल है, नेट क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही स्मूथ और अच्छी चीज है, ठीक है। और कंपनी टोटल आप देखेंगे मेस्टेला ड्यूलेक्स की अवेलेबल वैरायटी है, ठीक है, जिसका नाम ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्वालिटी की बात की जाए तो इंशाल्लाह क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होता, एक से एक इंशाल्लाह आपको अच्छी चीजें ही मिलेंगी, ठीक है। और इसके लास्ट पे आपको फिर एक बात बताता चलूंगा कि इसके 3 स्टेप एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप में इसको आप ना एडजस्ट कर सकते हैं। स्लो पहले डाउन में आता है, फिर अप आता है, फिर उससे अप आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गिफ्ट बॉक्स प्लस एसेसरी बॉक्स इसको बोला जाता है। एसेसरी बॉक्स पहले टाइम में यूजिंग में आती थी, टोकरी वगैरह जो रेगुलर कस्टमर यूज करते थे, लेकिन अब ये उससे भी यूनिक चीज आई है, उसके हवाले से आपको गाइड करेंगे। कुछ चीजें बच्चों के यूजिंग में जो आती हैं, हाथ में पकड़े हुए चीज बहुत ही यूनिक लगती है, ये उन यूनिक चीजों में से एक ये भी चीज आ जाती है, ठीक है। ये इसका हैंडल आ जाता है, ठीक है, इसको कैरी करने के लिए। देन नेक्स्ट जो है ना इसको हम ओपन करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। नीचे ड्रेसेस वगैरह, ठीक है, सम टाइम एक्स्ट्रा बहुत सी चीजें आ जाती हैं, ऊपर पाउडर लोशन आयल शैम्पू वगैरह डिफरेंट चीजें रखने के लिए ना, बहुत ही प्यारी चीज है। और बच्चे की जो मखसूस जरूरत की चीजें होती हैं वो इसमें सभी कैरी हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में हम आपको बताते चलेंगे रेगुलर कैरी कॉर्ड के बारे में, ठीक है। ये 3 इन 1 इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल भी यूज आ जाते हैं। उसके अलावा हैंड कैरी आपने करना हो, हैंड कैरी की यूजिंग में भी आती है ये चीज, ठीक है। और बैक साइड इसके आ जाता है पैम्पर बॉक्स होते हैं, ठीक है, इसमें बच्चे का फीडर वगैरह पैम्पर वगैरह की चीज रखने के लिए। नेक्स्ट लास्ट पे इसके ऊपर स्टैंड पे भी फिक्स हो जाती है बेड वगैरह पे यूज करने के लिए, ये देखिए ये आ जाती है बेड वगैरह पे यूजिंग के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर ये फ्रंट पे मुकम्मल जो है ना नेट होती है।
क्वालिटी पे आपको फर्स्ट में भी बताया था कि क्वालिटी वाइज चीज़ें एक से एक इंशाल्लाह अच्छी होंगी, ठीक है। और लास्ट पे आपको बताता चलूंगा कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं इसको अप करने के लिए। ये बिल्कुल ना थोड़ा ऊंची शेप में आ जाता है, ऐसे लगता है बच्चे को जैसे कि ना आपने गोद में कैरी किया हुआ है, ठीक है। बहुत ही प्यारी चीज़ है और क्वालिटी वाइज बात की जाए तो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। आने वाली वीडियो में आपको और मजीद आइटम के बारे में बताया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नसीब। Thank you.